नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में बस ख्याल आता है वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के खान पान का और वहाँ के वीर सपूतों का जिन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, और वहाँ की परंपराएं। वहाँ की परंपराओं में से एक खास परंपरा ये भी रही है जिसे हम कहते हैं मायरा भरना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मायरा भरना क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जब बहन के बच्चों की शादी होने पर ननिहाल पक्ष की ओर से मायरा भरा जाता है, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में भात भी कहते हैं। इस रस्म में ननिहाल पक्ष की ओर से बहन के बच्चों के लिए कपड़े, गहने, रुपए और अन्य सामान दिए जाते हैं। तो आज हम आपको इसी से जुड़ी एक खबर बताने जा रहे हैं कि कैसे एक मामा ने अपने भांजे की शादी में इतना मायरा भरा कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजस्थान के नागौर जिले के धारणावास निवासी रामकरण मुंडेल के पुत्र जितेंद्र की शादी में उनके मामा हनुमान राम सियाग ने 1,31,00,000 का मायरा भरा, जिसमें 21 लाख नगद, 28 तोला सोना सहित एक प्लॉट और एक कार अपने भांजे की शादी में मायरा भरा, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना रहा था। चटालिया निवासी पुना राम सियाग की 3 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों में सबसे बड़ी बेटी मंजू देवी की शादी धारणावास निवासी रामकरण मुंडेल के साथ की गई थी, और मंजू देवी के लड़के जितेंद्र की शादी थी जिसमें उनके भाई हनुमान राम सियाग ने राजस्थान की परंपरा को निभाते हुए 600 गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी बहन के यहाँ मायरा भरने पहुंचे और बहन को गोटेदार चुन्नी उड़ाकर करीब 1,31,00,000 का मायरा भरा, जिसमें जोधपुर में 80 फीट रोड पर 75 लाख रुपए कीमत का एक प्लॉट भी है, 28 तोला सोना, 21 लाख नगद और 15 लाख लागत की एक कार भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक मंजू देवी की भाभी वर्तमान में जोधपुर के कजनाऊ कला गांव की सरपंच भी हैं। तो ये थी वो खास रिपोर्ट राजस्थान से, जहां एक मामा ने अपने भांजे के लिए इतना मायरा भरा कि सबके आंखें चौंधिया गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।